हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर बी एल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज अपन डिस्कस करते हैं अपना जो चैप्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसके प्रकार और इससे लाभ और हानियाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो अभी नाउ इमर्जिंग कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा ये स्कीम, और इस लेक्चर में अपन स्पेशली डिस्कस करेंगे कि वाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड देयर आर द वेरियस टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स of contract farming and advantage disadvantage also, and in future what will we do for this agriculture system to end. सबसे पहले अपन definitions की तरफ ध्यान देंगे। तो definitions में simple जो सिंह ने एक definition दी वो है कि an agreement between farmers and processing, an agreement between the farmers and the processing and to farm for the production and supply of agricultural products under the forward agreement frequently of predetermined price। इसके कहने के मतलब ये है कि एक किसान और मार्केट संस्था या प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उसमें क्रसण जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, वो एक सर्टेन एग्रीमेंट के तहत जिसकी प्राइस पहले ही प्री डिटर्मिनेंट प्राइस हो जाती है, पहले ही उसकी प्राइस का निर्धारण करके फार्मर उसको सप्लाई करेगा और इसकी जो सोइंग के टाइम पे होती है वही उसकी दरें निर्धारित हो जाती है, ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाते हैं। अगला जो डेफिनेशन एक और दी गुरुदेव एंड अशोकन ने वो दी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ए सिस्टम इन विच एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज लाइक दैट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एटसेट्रा प्रोड्यूस एंड सप्लाई टू पर्टिकुलर बायर मोस्टली प्रोसेसर अंडर द प्री नेगोशिएट अरेंजमेंट अबाउट द प्राइस क्वालिटी। इट ब्रिंग्स प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स क्लोजर ऑन म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स। इससे डेफिनेशंस के अनुसार जितने भी अपने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है उनकी जो सप्लाई है पर्टिकुलर बायर को या प्रोसेसर को प्री नेगोशिएट अरेंजमेंट में, उसमें कुछ सर्टेन चीजें लिखी हुई थी कि ऐसी क्वालिटी का चाहिए, इस प्राइस पर हम इसको परचेज करेंगे, तो ये एक जनरल एग्रीमेंट टाइप्स का होता है और इसमें दोनों को आपस में फायदा होता है। जो प्रोड्यूसर्स मतलब फार्मर्स है उनको भी बेनिफिट रहता है और जो प्रोसेसर है उनको भी बेनिफिट रहता है। करते हैं कि इनको सिंपल सीधी सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की डेफिनेशन को, कि द फार्मर इज कॉन्ट्रैक्ट टू प्लांट द कॉन्ट्रैक्टर्स क्रॉप ऑन हिज लैंड। फार्म के जो फार्मर है वो प्लांट द कॉन्ट्रैक्टर क्रॉप ऑन हिज लैंड, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्रॉप के लिए होता है ना कि लैंड के लिए, ठीक है। हार्वेस्ट एंड डिलीवर टू द कॉन्ट्रैक्टर ए क्वांटम ऑफ प्रोड्यूस बेस्ड अपॉन द एंटीसिपेटेड यील्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड एक्रेज। वो पर्टिकुलर एरिया पर अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि इतने एरिया में या इतने क्विंटल मेरे को ये चीज चाहिए, इसका प्रोड्यूसर टमाटो का, कोई भी टमाटर प्रोसेसर है तो टमाटर को टमाटो के लिए, पोटैटो प्रोसेसर है पोटैटो के लिए, पी का प्रोसेसर है पी के लिए, तो वो फिक्स एरिया और यील्ड के लिए भी अपना वो टारगेट रख सकता है। और प्राइस इसमें ऑलवेज होती है जो पहले से फिक्स होती है, वो बाद में घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, फिर भी किसान और जो प्रोसेसर है उसके बीच में जो प्राइस का एग्रीमेंट हुआ है वो रहनी चाहिए, लेकिन करंट मार्केट में प्राइस घट बढ़ सकती है। टुवार्ड्स द एंड द कॉन्ट्रैक्टर मे और नॉट मे बी द सप्लाई ऑफ फार्मर विद सेलेक्टेड इनपुट, कि कई बार क्या होता है कि उसकी सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट बिंदु को पॉइंट आउट करने की इसमें जरूरत रहती है। अगली चीज में अपन डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी है। सबसे पहला कि ये जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल का, उस लोड को अपन इसके थ्रू कम किया जा सकता है। दूसरा, इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए इंक्रीज अपन कर सकते हैं। तीसरा, मार्केट फोकस इन टर्म ऑफ क्रॉप सिलेक्शन बाय इंडियन फार्मर, मार्केट का सर्टेन क्रॉप पे फोकस हो सकता है। टू जनरेट द स्टडी सोर्स ऑफ इनकम एट द इंडिविजुअल फार्मर लेवल, पर्टिकुलर एक प्रत्येक किसान के लिए लगातार स्टडी स्ट्रॉन्गली इनकम का एक जरिया हो सकता है। टू प्रमोट द प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन लाइक दैट द सेकेंडरी एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, जिसके अंदर आपके पोटेटो चिप्स आ गए, टोमेटो चिप्स आ गए, इट्स सेक्टर में भी
अगला है टू जनरेट द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरल करना स्पेशली इन रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्टिकुलरली जो लैंडलेस फार्मर है, जितने भी लैंडलेस किसान है जो श्रमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी अपने को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा द फ्लैटन एज द पॉसिबल एंड सीजनली एसोसिएट विद सच एम्प्लॉयमेंट, ये कई बार क्या होता है कि इसमें जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनली डिपेंडेंट होती है, तो इसको थ्रू आउट द ईयर करा जाए तो एक एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा जनरेट होगा। टू रिड्यूस द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, इसमें एक ये चीज भी बनती है कि अगर आपने पास एम्प्लॉई वहीं मिलता है, अपना रोजगार के साधन वहीं मिलता है, तो फिर अपन थोड़ा सिटी की तरफ माइग्रेट जो आज का यूथ कर रहा है वो भी कम कर पाएगा। नेक्स्ट है टू प्रमोट रूरल यूथ सेल्फ रिलायंस इन जनरल बाय पूलिंग लोकल अवेलेबल रिसोर्स एक्सपर्टाइज टू मीट द न्यू चैलेंज, अपने पास जितने भी लोकल रिसोर्स है उनका उपयोग करते हुए आत्मविश्वास के साथ उनका पूरा उपयोग करें और जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एक्सपर्ट्स है उनके साथ मीट के नई नई जो अपॉर्चुनिटीज आती चैलेंजेस आता उनका सामना करें और अपना जो रूरल एरिया का जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करें। ये इसी कारण अपने को कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ी। अब अगर अपन हिस्ट्री की बात करी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में कब से स्टार्ट हुई क्या नहीं हुई, तो सबसे पहले ITC कंपनी ने 1920 के अंदर वर्जीनिया टोबेको कल्टीवेशन जो कोस्टल आंध्रा समुद्र के सारे सारे जो आंध्र प्रदेश है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। दूसरा पेप्सिको कंपनी ने पंजाब के अंदर शुरू किया था वो 1990 में। तो द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज नॉट ए न्यू इन इंडिया, ये नया नहीं है, ये 19वीं सेंचुरी का ही है। अभी इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिगो सप्लाई रॉ मटेरियल टू यूरोपियन नेशन फॉर देयर ब्लूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो नील और कपास होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को करते थे 19वीं शताब्दी में भी। तो दैट सिंपल भाषा में अपने कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काफी पुराना। दूसरा अपने जनरली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक और है, जैसे एक किसान है उसकी जमीन ज्यादा वो नहीं कर पाता है तो किसी दूसरे किसान को वो लीज पे दे सकता है, या वो भी एक तरीके से जनरली ये सिंस लास्ट हाउ मेनी ओल्ड प्रथा है जिसमें अपन किसी दूसरे किसान को भी दे सकते हैं, वो भी एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्जाम्पल ही है। आगे अपन बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या क्या चीज होता है। इसमें एक फार्मर होता है, एक ट्राइंगल बेनिफिट होता है, इसमें फार्मर का होता है, गवर्नमेंट का होता है, इंडस्ट्री का होता है। इंडस्ट्री जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द फार्मर एंड एग्री बिजनेस फार्म, बाइंड द फार्मर टू सप्लाई द रॉ मटेरियल द हार्वेस्ट टू द लेटर एट एन एग्रीड प्राइस। और ये जो द एग्री बिजनेस फार्म होती है वो कंफर्म टू सप्लाई क्रेडिट, पैकिंग मटेरियल, क्रॉस प्राइस, अरेंज ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर जैसे मान लो सपोज छोटा किसान है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको छोटी गाड़ी की जरूरत पड़ती है जैसे, लेकिन अगर कोई कंपनी एक पर्टिकुलर एरिया में सारे फार्मर को सेलेक्ट करके गए तो वहाँ पे प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजीली मिल जाएगा, पैकेजिंग मटेरियल क्रेडिट बैलेंस आपको इजीली मिल जाएगा, क्रॉप स्प्रेयर्स अरेंज ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीजें इजीली मिल जाएगी, तो फार्मर का काम भी सही होगा और जो इंडस्ट्री या प्रोसेसर है उनका भी सही होगा और गवर्नमेंट भी इसमें म्यूचुअली बेनिफिट रहेगी। बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन कौन सा एरिया कवर करते हैं। सबसे पहले मार्केट का प्रोविजन क्या होता है। मार्केट का प्रोविजन में ये होता है कि ग्रोवर एंड बायर एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द फ्यूचर सेल एंड परचेज ऑफ ए क्रॉप और लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट। मार्केट प्रोविजन में ग्रोवर और बायर, ग्रोवर मीन्स फार्मर, बायर मीन्स जो एजेंसीज कंपनीज आ गई वो दोनों हूँ कि फ्यूचर सेल और परचेज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा रिसोर्स प्रोविजन, इन कंजक्शन विद द मार्केटिंग अरेंजमेंट द बायर एग्री टू सप्लाई सेलेक्टेड इनपुट इंक्लूडिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द लैंड प्रिपरेशन एंड टेक्निकल एडवाइस, मीन्स जितनी भी रिसोर्स प्रोविजन के लिए जो फार्मर अपनी खेती करेगा या उस इनपुट को प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए उसको फार्मर को क्या करना, फार्मर को कुछ कंपनी है जो कुछ सेलेक्टेड टेक्निकल एडवाइज है, कुछ इनपुट्स है वो कंपनी खुद अपना देगा, तो एक तरीके से फार्मर को रिसोर्स भी मिलेगा। थर्ड आपका आता है मैनेजमेंट, द ग्रोवर एग्रीज टू द फॉलो रिकमेंडेड प्रोडक्शन मेथड, इनपुट रिजाइम्स, कल्टिवेशन, ये सारी की सारी चीजें अपने मैनेजमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर इंक्लूड होगी जिसमें फार्मर और जो कंपनी या एजेंसीज होती है उन दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा। अगली बात करते हैं कि
जनरली अपन बोल सकते हैं कि मूविंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू मार्केट डिमांड। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो सबसे पहले जैसे फार्मर अपने पास किसान लाता है, मंडी में लाता है, मंडी के बाद बायर प्रोसेसर के पास जाता है, इसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। तो मीन्स कितनी प्रोसेस होगी। तो कमीशन अगर देखा जाए मंडी में, तो फार्मर मंडी में आएगा, इसके बाद इसको बायर भी कुछ परसेंट रखेगा, मैन्युफैक्चर ब्रांड प्रोसेसर लेगा ये भी कुछ परसेंट रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा ये भी कुछ रखेगा, रिटेलर भी रखेगा, कंज्यूमर। तो ये जो प्राइस फ्लो है वो काफी लॉन्ग हो जाता है। अब इसके अंदर तो इस चीज को अगर इसी सिक्योरिटी को कंप्लीट करने के लिए इसको कंट्रोल जोन एक सेंट्रलाइज सिस्टम अगर अपन करें, तो मीन्स डायरेक्ट फार्मर से कौन खरीद रहा, बायर, बायर अपनी जो सॉरी मैन्युफैक्चरर खरीद रहा, और वो अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट के अंदर सेंट्रल सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्रोसेस करके वो डायरेक्ट सेल कर रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो मीन्स जो बाये बीच वाले जो बिचौलिए हैं उनकी लाइन कट डाउन हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कितने मॉडल है या किस किस प्रकार की ये है। मॉडल मीन्स टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सबसे पहले ये इनके जो मॉडल्स बनाए गए हैं उनके ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स कॉन्ट्रैक्टर, एक्सपीरियंस ऑफ द फार्मर्स, ये डिपेंड करता है कई सारी चीजों पे, जो अपना क्रॉप और क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या क्रॉप, कौन सी क्रॉप है। क्रॉप को जैसे मैंगो लिया तो वो हाईली पेरिसेबल होती है, फिश लिया पेरिसेबल होती है, वीट वगैरह लिया, सरसों ली तो उसमें कोई इतना इश्यू आता नहीं। तो वेरियस टाइप्स के मॉडल्स आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से पहला मॉडल अगर अपन देखा जाए तो सेंट्रलाइज मॉडल है, न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल है, मल्टी पार्टी मॉडल है, इनफॉर्मल मॉडल है, इंटरमीडिएटरी मॉडल है। तो इन मॉडल की चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले सेंट्रलाइज मॉडल। सेंट्रलाइज मॉडल में क्या होता है कि जो भी परचेज होता है क्रॉप फ्रॉम फार्मर फॉर द प्रोसेसिंग एंड मार्केट प्रोडक्ट, इसमें जो भी चीज होती है जो स्पॉन्सर डायरेक्ट फार्मर से वो प्रोसेसिंग खरीदते हैं। दूसरा, बिगिनिंग ऑफ ईच ग्रोइंग सीजन एंड क्वालिटी टाइटली कंट्रोल्ड। इसके अंदर मेन चीज ये होती है कि क्वालिटी और कब उसको प्रोड्यूस प्रोडक्ट को तैयार किया गया या क्रॉप को कब सोइंग करनी है, कब उसका पीरियड रहता है मिस मैक्सिमम सेल आउट होने का, उस चीज को ध्यान में रखते हैं। जनरली इनमें जो एसोसिएट क्रॉप्स होती है वो है कॉटन हो गया आपका, तंबाकू हो गया आपका, सुगर केन हो गया, बनाना हो गया, कॉफी, टी, कोकोवा, रबड़। इसमें पोल्ट्री, पोर्क, डेयरी, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी आता। सुगर केन जी इसका एक एग्जाम्पल है कि सुगर केन प्रोडक्शन इन थाईलैंड एक कंपनी है जो इसमें सेंट्रलाइज मॉडल पर काम कर रही है। टोमेटो प्रोसेसिंग इन पंजाब, इंडिया एंड वेजिटेबल कैनिंग इन फिलीपींस, ये कंपनी वेजिटेबल्स कैनिंग पे काम कर रही है जो पीका वगैरह इनका। अब अगला जो मॉडल्स है उस पर अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल होता क्या है। इसमें दे स्पॉन्सर ऑन एंड मैनेज ए प्लांटेशन यूजली क्लोज टू द प्रोसेसिंग प्लांट एंड इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स टू फार्मर, समटाइम्स कॉल्ड सैटेलाइट और ग्रोअर। देखिए इसके अंदर जो फार्मर्स को पूरे कंपनी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, ये मैनेजमेंट टेक्निक्स करोगे, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाओगे, ये क्वालिटी रहेगी, तब हम आपका ये फॉलोअर्स होता है न्यूक्लियस एस्टेट प्लांट में। मेनली इस ये जो न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल है वो ट्री क्रॉप में यूज होती है, लेकिन डेयरी में भी आजकल इसका यूज होने लग गया है। तो ऑयल पाम इन रिसेटलमेंटल एरिया, डेयरी इन इंडोनेशिया, टी इन एस्टेट इन इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, ये कंपनीज या ये प्रोसेसर्स जो है इन इन क्रॉप पे न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल के थ्रू वर्क हो रहा है। दूसरा टाइप देखते हैं मल्टी पार्टी एक्ट। मल्टी पार्टी एक्ट में मतलब इसे दो तीन पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। यूजुअली इन्वॉल्व स्टेटरी बॉडीज, प्राइवेट कंपनीज जॉइंटली पार्टिसिपेट्स विद फार्मर, यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट टू प्रोवाइड मटेरियल एंड मैनेजमेंट इनपुट टू फार्मर। इसमें पूरा कमिटमेंट रहता है कि फार्मर को पूरा इनपुट मटेरियल वो प्रोड्यूस देते हैं और उसके बाद फार्मर अपना प्रोड्यूस करते हैं और उनकी देखरेख निगरानी में ये पूरा वर्कआउट होता है। तीसरा, कॉमन इन चाइना। इस मेथड को चाइना ने बहुत अच्छा अडॉप्ट किया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टाउनशिप कमेटी, फॉरेन कंपनीज जॉइंटली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड विलेज इंडिविजुअल फार्मर। जो मल्टी पार्टी मॉडल है या इसका प्रकार है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा है अडॉप्ट किया जाता है।
अगला है अपना इनफॉर्मल मॉडल। इनफॉर्मल मॉडल में इसमें जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, छोटी छोटी कंपनियां होती है, वो क्या करती है, इनफॉर्मल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर और सीजनल बेसिस पे कर लेती है, एक सीजन के लिए, दो सीजन के लिए, जैसे फ्रेश वेजिटेबल के लिए, ट्रॉपिकल फ्रूट के लिए। तो वो सुपरमार्केट फ्रिक्वेंटली परचेज फ्रेश प्रोड्यूस थ्रू द इंडिविजुअल डेवलपर्स और नॉर्मली मिनिमम प्रोसेसिंग एंड फ्यू इनपुट टू फार्मर, अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट सर्विस क्रूशियल्स। इसमें मतलब इनफॉर्मल में ये कि जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां, जैसे वो एक सीजन का कर लिया, दो सीजन का कर लिया, और कोई ज़्यादा इतना लीगल भी नहीं रहता इसमें, मैं भी कई बार इससे नुकसान भी हो सकता है। अगला अपन इसमें देखते हैं कि ये कौन कौन सी, जैसे गैरकिन प्रोडक्शन इन श्रीलंका होता है, बनाना, स्क्वेस, पपाया प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इन साउथ पैसिफिक एंड क्राइसेंथेमस, एंड फ्रेश वेजिटेबल प्रोडक्शन नॉर्थन प्रोविनेंस ऑफ थाईलैंड में ये मॉडल सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है। अगला है इंटरमीडिएटरी मॉडल। फॉर्मल सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन इंटरमीडिएटरी इज कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया। लार्ज फूड प्रोसेसिंग कंपनी परचेज क्रॉप फ्रॉम इंडिविजुअल कलेक्शन और फार्मर कमिटीज हु मेक देयर ओन इंडिविजुअल इनफॉर्मल अरेंजमेंट विद द फार्मर। द रिस्क इज दैट इज द स्पॉन्सर लॉस टू कंट्रोल द प्रोडक्शन और प्राइसेस पेड टू द फार्मर फॉर मिडल मैन। जैसे कि एग्जाम्पल इन इंटरमीडिएटरी मॉडल में जो साउथ ईस्ट एशिया में कॉमन है, ये कई बार एग्जाम में भी आता है। इसमें कंपनी परचेज करती है और अपना इंडिविजुअल कलेक्शन भी करती है फार्मर के वहां जाके, या फिर फार्मर कमेटी एक टाइप से कुछ छोटे छोटे एनजीओ भी इस वर्क को करते हैं। इसका जो एग्जांपल है सोयाबीन, ग्रीन बीन, बेबी कॉर्न प्रोडक्शन इन नॉर्थन थाईलैंड इन इंडोनेशिया प्रैक्टिस इज वाइड स्प्रेड टर्म एज द प्लाज्मा टर्म दिया गया है उसको, जो कि सोयाबीन, ग्रीन बीन्स और बेबी कॉर्न प्रोडक्शन इन नॉर्थन थाईलैंड इन इंडोनेशिया, और इस प्रैक्टिस को प्लाज्मा टर्म दी गई हुई है। अगला अपना बात करते हैं कि इसके अंदर वेरियस कंपनीज है जो इन्वॉल्व है, स्पेशली इंडिया में हल कंपनी है, आईटीसी कंपनी है, सुगना पोल्ट्री है, वेंकटेश्वर रोरा हैचरीज है, पेप्सिको, रैलिस है, नेस्टले है, इतनी सारी कंपनीज है जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। और आगे अपन देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या। सबसे पहले तो फायदे में काउंट करेंगे अपन, किसान को क्या फायदा है। किसान को ये फायदा होगा कि उसको वर्ल्ड क्लास मैकेनाइज्ड एग्रो टेक्नोलॉजी मिलेगी, उस तरह की मशीनरीज मिलेगी, और वो फ्रंट प्राइस, पहले मार्केट में कोई भी चीज़ अगर उसकी सप्लाई अधिक होती है तो उसके रेट डाउन होना कंपलसरी होता, मतलब लगभग हो जाता रेट। तो आपको प्राइस फिक्स, पहले ही फ्रंट प्राइस डिसाइड रहेगी कि इतनी रेट में हम आपका मटेरियल खरीदेंगे। फिर ठीक है, नो रिक्वायरमेंट टू ग्रेड फ्रूट एज मैंडेटरी फॉर फ्रेश मार्केट सेल, वो ग्रेडिंग वगैरह वो कंपनी अपनी अपने लेवल पे करती रहती है। बल्क सप्लाई होगी, स्मॉल लॉट्स इज रिक्वायर्ड बाय द फ्रेश मार्केट, क्रॉप मॉनिटरिंग रेगुलर होगी, टेक्निकल एडवाइस मिलेगी आपको, फ्री कॉस्ट ऑफ हिज डोर स्टॉप, फ्री ऑफ कॉस्ट एट हिज डोर स्टॉप डोर स्टेप। किसान को अपने वहां पर टेक्निकल मिलेगी, रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, और हो सकता है वो सप्लाई करे हेल्दी डिजीज फ्री नर्सरी, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करे, टेक्निकल बुलेटिन बताए। और तो अगर आपको फार्मर को इतनी फैसिलिटी मिलेगी को एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, और उससे पहले मार्केट में क्रॉप जाने से पहले उसका पैसा भी डिसाइड हो जाएगा, तो ये इवन दैट एक काफी रेमुनरेटिव रिटर्न है। अगला कि कंपनी को क्या क्या फायदा मिलेगा। कंपनी को अनइंटरप्टेड एंड रेगुलर फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, कंपनी को हमेशा लगातार कच्चा माल मिलता रहेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लैक्चुएशन एंड मार्केटिंग प्राइस, मार्केट प्राइस में उतार चढ़ाव आएगा, कभी रेट कम हो रही कभी ज्यादा हो रही, उनसे कोई मतलब नहीं क्योंकि उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, तो फ्लैक्चुएशन के कोई चांस ही नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेड पॉसिबल, लंबी जितनी प्लानिंग आप रख सकते हो पॉसिबल है। कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंड टू अदर क्रॉप्स और बिल्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डेडिकेटेड सप्लायर बेस, जनरल गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जनरेट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन बात करते हैं कि इनसे डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे द डिपेंडेंसी ऑन द टेक्नोलॉजी पैकेज, फार्मर वल्नरेबल टू आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी मैनिपुलेशन बाय एग्री बिजनेस फार्म्स। मतलब कई बार जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ही रहते हैं, मैं जो फार्मर रहते हैं वो हो सकता है इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो, आउटपुट प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आ पाए, तो एग्री बिजनेस फार्म और फार्मर के बीच में ये एक गैप रहेगा, तो एक तरीके से डिसएडवांटेज।
दूसरी डिलीवरी शेड्यूल माइट में बी सेट बाई फार्म सो एज इंक्लूस प्राइस पेड टू द फार्मर। कई बार क्या होता है कि जो फार्म के द्वारा आपको सप्लाई जो डिलीवरी होती है वो फार्म के द्वारा देनी रहती है, तो वो हो सकता है उस टाइम पे उस माल की डिमांड करे जब आपका प्राइस एग्रीमेंट हुआ उससे भी ज़्यादा मार्केट में रेट हो, तो इस वजह से भी किसान को फिर नुकसान होता है एक तरीके से। दूसरा, फार्मर लूज फ्लेक्सिबिलिटी इन एंटरप्राइज चॉइस। फिर अगर एग्रीमेंट हो गए तो किसान दूसरा एंटरप्राइज की चूज नहीं कर सकता है, उसके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है। अगला है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लेड टू दी ग्रेजुअली डिक्रीज रियल प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर। अगर लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो सकता है कि जो फार्मर को रियल प्राइस है उससे काफ़ी कम प्राइस मिले, इसलिए जो एग्रीमेंट है वो 1 और 2 ईयर का ऐसा कुछ ही रखा जाए। फार्मर में अमेंडमेंट ट्रेडिशनल कल्टिवेशन मेथड एंड प्रोडक्ट, जो अपने किसान कई बार फिर अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करेगा तो अपनी ट्रेडिशनल कल्टिवेशन मेथड्स है प्रोडक्ट्स है उनको भूल जाएगा। अगला, सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर इन द फैमिली और फार्मिंग कम्युनिटी माइट बी डिस्टर्ब एज पर द रूल्स नॉर्म्स। उनके अनुसार अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें तो थोड़ा बहुत फैमिली कम्युनिटी फार्मिंग कम्युनिटी पर भी असर आता है इसका। द रिस्क ऑफ इंडिपेंडेंस इनडेप्टनेस इनडेप्टेंट ग्रोअर्स, जो ग्रोअर्स फार्मर्स होते हैं उनके लिए कई बार ये रिस्क है जो चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा रिस्क भी हो सकता है। अगली अपन बात करें अपॉर्चुनिटी के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज है। पहले सबसे पहले अपन देखा जाए फार्मर्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सोयाबीन कुकुम्बर मक्का सीड लर्निंग न्यू नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम फार्म वाइल पोटेटो एंड टोमेटो फार्मर आर एक्सपीरियंस नॉलेज प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट। पोटेटो फार्मर आल्सो रिसीव्ड नॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज अंडर द फार्म सपोर्ट। नॉलेज इंक्लूडेड फर्टिलाइजर केमिकल इंटेंसिव प्रोडक्शन सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर क्रॉप। जैसे कि सपोज इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप जितनी भी फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी क्रॉप कल्टिवेट कर रहे हो उसके लिए आपको नई नई टेक्नोलॉजी मिलने की पूरी चांस रहते हैं और उसको सीख के आप अडोप्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन अच्छा बनता है। दूसरा, एक साइंटिस्ट था जो मनारुसन और सोजानदार, इन्होंने कहा कि ऑयल पाम पाइनएप्पल एस्परगस फार्मर गेन न्यू टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम इनपुट सप्लायर्स। एक रिसर्च है उससे ये उठाया गया है और जो कि नए टेक्निकल नॉलेज इनको ऑयल पाम और पाइनएप्पल और एस्परगस पे मिला था। अगला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन लेसन फार्मर एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी इवन इफ दे गेन मैनेजमेंट स्किल। अगर किसान के पास अपनी दक्षता है तो वो अपने खुद का बिजनेस भी डेवलप कर सकता है। अगली चीज, फार्मर अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवांस ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड डक ऑफिस फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट्स दैट दे लॉस्ट देयर फ्रीडम इन द फार्म मैनेजमेंट। दिस हाइंड्रेड एंड नॉलेज डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी फिर फार्मर की आती। तो फार्मर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान तो कम है लेकिन बेनिफिट्स है इसके लाभ है इसमें अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा है। अगला अपना बोलते हैं कि रिस्क फार्मर के लिए कि क्या रिस्क हो सकती है। सबसे पहले अनसर्टेनिटी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसमें अनसर्टेनिटी जरूर होती है। अनफेमिलर या नई क्रॉप अपने उगाई प्रोडक्टिंग ऑफ मार्केट दैट नॉट ऑलवेज लाइव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन फॉर देयर स्पॉन्सर फॉरकास्ट। कई बार क्या होता है कि जो स्पॉन्सर होता है जो प्रोसेसर होता है वो जितना फॉरकास्ट रखता है कि मैं अगर इस चीज का प्रोडक्शन लूंगा तो मेरे को इतनी मार्केट वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, अगर उस प्रोसेसर का ही मार्केट वैल्यू उतना नहीं बन पाता तो एक अनसर्टेनिटी, तो फिर वो क्या फार्मर का मटेरियल हो सकता नहीं खरीदे, ठीक है। तो ये अनफेमिलियर क्रॉप नई थिंग के लिए किसानों के लिए भी नुकसान है। दूसरा, लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर विद लार्ज एग्रो इंडस्ट्री मोनोपोस्टिक मार्केट पावर एंड एक्सप्लोइटेशन, तो इसमें बार्गेनिंग का कोई इश्यूज उठता ही नहीं है। दूसरा, मैनिपुलेशन ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय स्पॉन्सर इन ऑर्डर टू रिड्यूस परचेजेस। यस, क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखते हुए वो फिर है जो धीरे धीरे कई बार क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो कहता है कि लो क्वालिटी का माल है इसको मैं नहीं खरीदूंगा एप्पल, तो ऐसे सारे रूल्स लगाएगा तो फिर वो किसान के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगला, डेप्थ कास्ट बाय प्रोडक्शन प्रॉब्लम पोअर टेक्निकल एडवाइस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मार्केट कंडीशन और कंपनी फेलियर टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रॉब्लम आ गई है पुअर टेक्निकल एडवाइस मिली हो तो मार्केट कंडीशन की स्थिति चेंज होगी तो उसके अंदर फिर कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको फेलियर कर देती है तो फार्मर को एक नुकसान होता है। अगला अपन बात करते हैं
रिस्क फॉर स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स के लिए क्या क्या रिस्क हो सकती है। स्पॉन्सर्स के लिए ये पहली रिस्क होती है वो इनसिक्योरिटी ऑफ द टू असेस द लैंड, जो लैंड होती है उसका मालिक नहीं होता है जो स्पॉन्सर होता है वो, तो उसका रिस्क रहता है। एक तो फार्मर इनएबिलिटी टू मीट स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे होती है रिलीजियस या फार्मर अपनी मर्जी से जो रूल रेगुलेशन होता है, टाइम टेबल्स होता है, वो चीज़ें नहीं कर पाता अपने सोशल, कुछ सोशल रीजंस वजह से। फिर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्चुअल मार्केटिंग, फार्मर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलिंग देयर प्रोड्यूस ऑन अल्टरनेट मार्केट समटाइम्स एनकरेज बाय द राइवल स्पॉन्सर्ड। यस, अगर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है किसान, तो कंपनी जिसे एग्रीमेंट किया उसको माल कम सप्लाई करता है और दूसरी को अल्टरनेट मार्केट सकता है उसमें सप्लाई करने लग जाता है, तो ये स्पॉन्सर के लिए भी एक रिस्क। अगला अपन इसका फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं, कैन बी इफेक्टिव इन लिंकिंग द स्मॉल फार्म सेक्टर टू सोर्स ऑफ एक्सटेंशन एडवाइस, मैकेनाइजेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर क्रेडिट एंड टू गारंटेड एंड प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर द प्रोड्यूस। प्राइवेट एग्री बिजनेस विल यूजुअली ऑफर टेक्नोलॉजी मोर इफेक्टिवली देन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज बिकॉज इट इज द डायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग फार्मर प्रोडक्शन। मीन्स ओवरऑल ये है बेनिफिट कि ये इफेक्टिव तभी हो सकती है जब इसकी जो सोर्सेज ऑफ एक्सटेंशन एडवाइस, मैकेनाइजेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, क्रेडिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिटेबल और मार्केट की अवेलेबिलिटी। अलग अगली चीज ये होती है कि प्राइवेट एग्री बिजनेस एजेंसी के साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसी भी इसमें इंटरेस्ट रखे, तो ये और ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस, स्पेशली जितने भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स होते हैं आपके सीड सोविंग से लेकर फर्टिलाइजर और इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट, सारी प्रैक्टिसेस का, तो वो आप अगर इफेक्टिवली रूप से उसको करोगे स्टैंडर्ड तरीके से, मार्केट अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, प्राइस की गारंटी रहेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ही अच्छे से सक्सेस। आगे वैक टू कॉल में अपन डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू टेक और रियलिस्टिक एंड डीरेगुलेटेड क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर वो एक रियलिस्टिक और डीरेगुलेटेड क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी करे तो अपने को कुछ, अगर मान लो बाई चांस अपनी क्रॉप वगैरह खराब होगी तो उस पर कुछ अपने को मिल सकता है। अगला फैसिलिटेड इम्पोर्ट ऑफ वेराइटीज हाइब्रिड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ग्रोथ will be led by productivity and enhancement and market focus, research system, synergies with the both farmer and private sector. अगर ये कुछ varieties hybrid की facility कराए तो productivity enhance होगी, market पर उसका focus रहेगा, उस पर research system synergy होती जो private sector की farmer की उसके ऊपर study की जाए तो अपने को research वो gap मिलेगा और उसके according अपन अगर कुछ भी product या market में तैयार करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला भारत के अंदर क्या कि एडवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, कैन बी कम्पिटिटिव प्रोड्यूसर फॉर लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, नीड टू कन्वर्ट और फैक्ट्री प्राइस एडवांटेज इनटू सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफर्स ऑन पॉसिबल सॉल्यूशन। देखिए डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, जैसे अपन जम्मू कश्मीर वगैरह इस तरफ के एरिया की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे एप्पल वगैरह की खेती होती है, साउथ में अपन करेंगे तो कोस्टल बेल्ट के अंदर कोकोनट वगैरह, नारियल और काजू की होती है, पंजाब के अंदर सेंटेड राइस की होती है, बासमती वीट होती है और जो साबरमती वीट है उसकी खेती एमपी में होती है। तो अपने को डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक वाइज अगर अपन इस पे उस हिसाब से अपनी किसी कंपनी को एंगेज करें या प्रोसेसर को एंगेज करें तो वो अपना मार्केट का प्रोड्यूस है जो अच्छा क्वालिटी भी प्रोड्यूस करके वो एक तरीके से ऐसा लिंक और चैनल बनाए ताकि फार्मर को भी बेनिफिट रहे और कंपनी को भी बेनिफिट रहे। अपन धन्यवाद, अगले लेक्चर में अपन देखते हैं दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जनरली एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का करेंगे, और थैंक यू।